Hello, students. So, in our previous lecture, we have started the chapter 23, that is the trigonometrical ratios of some standard angles. And I hope you all have learned all the values of the trigonometrical ratios for the angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. So, in today's lecture, we are going to solve the solved examples as well as the exercise 23A. So, let's start. तो हम लोग यहां पर अब सॉल्ड एग्जाम्पल्स को देखने जा रहे हैं और आप लोगों ने सारी वैल्यूज को जरूर याद कर लिया होगा और अगर याद नहीं किया है तो जो वैल्यूज हैं उनको अपने सामने ओपन करके रखिए। तो हमें इवेल्युएट करना है क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में लिखा है साइन स्क्वायर थर्टी माइनस टू कॉस क्यूब सिक्सटी डिग्री प्लस थ्री टेन टू फोर फोर्टी फाइव डिग्री तो इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है तो साइन थर्टी की वैल्यू देखो आप क्या होती है? वन बाई टू और टेन फोर्टी फाइव डिग्री की पावर फोर करनी है तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है उसकी पावर क्या कर देंगे फोर कर देंगे अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर हो गया माइनस टू टाइम ऑफ वन बाई एट दैट इज वन बाई टू का क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ वन टू द पावर फोर इज वन उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर प्लस थ्री और वन बाई फोर वन बाई फोर दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू प्लस थ्री तो ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है सिर्फ टेक्नोमेट्रिकल जो हमारे रेशोज हैं उनकी जो पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यूज है वो हमें याद होनी चाहिए अब हमारा सेकंड पार्ट है इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा इसका आंसर क्या होगा तो हम देख रहे हैं कि कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है वन होती है साइन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू होती है तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का, का काम खत्म हो गया फिर सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट होती है साइन नाइनटी की वैल्यू वन होती है कॉस फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यून बाई रूट टू होती है और कॉसटी की वैल्यून बाई टू होती है हमारी ब्रैकेट है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट में जो 1 1 है देखो मैं दोबारा से हाईलाइट करता हूँ वन प्लस वन बाई टू क्या बन गया थ्री बाई टू बन गया प्लस वन बाई रूट टू को एज इट इज लिखा हमने और यहाँ पर वन प्लस वन बाई टू अगेन थ्री बाई टू हो गया और माइनस वन बाई रूट टू को हमने एज इट इज लिख दिया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दाइनस बी तो जाएगा 9 4 1 2 का square, 1 2 हो गया और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम फोर आएगा और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो फाइनल निकल के आ रहा है वो आ रहा है सेवन बाई फोर सेवन बाई फोर दैट इज वन होल नंबर थ्री बाई फोर अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू में एक ही एक्सप्रेशन है कंप्लीट वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू किसकी निकालनी है साइन थर्टी डिग्री माइनस साइन नाइनटी डिग्री प्लस टू कॉस जीरो डिग्री डिवाइडेड बाई टेन थर्टी डिग्री इंटू टेन सिक्सटी डिग्री तो हमें करना क्या है इसके अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यूज है उनको सब्सटीट्यूट करना है जो हमें पर्टिकुलर जगहें दी हुई हैं और उसके बाद फिर हम लोगों को उसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो साइन थर्टी है उसकी वैल्यू वन बाई टू होती है साइन नाइनटी की वैल्यू वन होती है टू कॉस जीरो लिखा हुआ है तो टू इन टू कॉस जीरो की वैल्यू वन लिख देंगे फिर डिनोमिनेटर के अंदर टेन थर्टी की वैल्यू वन बाई रूट थ्री होती है और टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री होती है तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में हमें वन मिलेगा और न्यूमिनेटर में हमें मिल रहा है वन बाई टू माइनस वन टू इंटू वन पहले सॉल्व होगा दैट इज टू तो इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये by plus one, by number, by हम देख पा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री को जो एग्जाम्पल थ्री है इसमें एंगल ए दे रखा है सिक्सटी डिग्री और वेरीफाई करना है हमें साइंस स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए वन होगा और सेक्स स्क्वायरे माइनस टेन स्क्वायरे वन होगा आपको बताया रिजल्ट जो है ये हमेशा ट्रू होते हैं हर एक एंगल के ऊपर तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें साइंस स्क्वायरे प्लस कॉ स्क्वायरे की वैल्यू को निकालना है जब एंगल ए सिक्सटी डिग्री एज्यूम करना है हमें तो ए की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे तो ये बन जाएगा साइंस स्क्वायर सिक्सटी प्लस कॉ स्क्वायर सिक्सटी अब स्क्वायर लगाए तो इसका मतलब होल स्क्वायर करना है किसका स्क्वायर करना है साइन सिक्सटी की वैल्यू का तो साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाय टू होती है इसका होल स्क्वायर करेंगे बीच में प्लस लगा हुआ था फिर और वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर हो गया और, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा फोर अपॉन फोर एंड दैट इज इक्वल टू वन और ये हमारी वैल्यू वेरीफाई हो जाती है वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके इक्वल प्रूव करना ठीक है ना तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें सेक्स स्क् माइनस टेन स्वायर को वन के इक्वल प्रूव करना है तो हम ए की जगह पे सिक्सटी डिग्री रख देंगे तो ये बन जाएगा 60 60. तो इसका मतलब 60 की वैल्यू टू होती है उसका होल स्क्वायर करना है माइनस टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री होती है इसका होल स्क्वायर करना है तो टू का स्क्वायर फोर हो गया और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया तो फोर माइनस थ्री का आंसर क्या आ गया वन आ गया तो इस तरीके से हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल लेकर अब दूसरा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वैल्यू वैल्यूएट करनी है, 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 है मतलब वैल्यू निकालनी है वो एट साइन टू एक्स का मतलब एक्स को टू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एंगल आएगा उसकी वैल्यू लेनी है आपको ये मत करना कि साइन एक्स की वैल्यू निकल के टू से मल्टीप्लाई कर दिया वो जो टू है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है देखो आप ये टू एक्स एंगल है इसका तो पहले एंगल सॉल्व होगा एक्स एंगल है सिक्स एक्स एंगल है तो आप ध्यान से देखिए सॉल्यूशन पार्ट में एट इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर टू इंटू फिफ्टीन लिखा गया ताकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें कॉस फोर इंटू फिफ्टीन सिमिलरली साइन सिक्स इंटू फिफ्टीन हमने एक्स की जगह पे फिफ्टीन पुट किया है अब टू इंटू फिफ्टी आप देख पा रहे होंगे क्या बन गया थर्टी डिग्री फोर इंटू फिफ्टीन सिक्स डिग्री और सिक्स इंटू फिफ्टी नाइन डिग्री हो गया अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू होती है और साइन नाइनटी की वैल्यू वन होती है जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो टू आएगा तो जो हमने सोल्ट एक्साम्पल अभी देखे इनके बेसिस पर हमारी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को हम अब अटेम्प्ट करेंगे तो अब हम अपनी एक्सरसाइज ट्वेंटी थ्री ए के जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ जो हमारा है इसके अंदर सिक्स पार्ट्स हैं तो मैंने फिफ्थ पार्ट को कंसिडर किया यहाँ पे दैट इज साइंस स्क्वार थर्टी प्लस कॉस् थर्टी प्लस स्क्वायर फोर्टी फाइव तो आप राइट साइड में देख सकते हैं क्वेश्चन वन का फिफ्थ पार्ट लिया हमने साइंस स्क्यर थर्टी डिग्री प्लस कॉस् थर्टी डिग्री प्लस कॉट स्क्र्टी डिग्री तो सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि साइन थर्टी डिग्री ये यहां पर हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है साइन स्क्टी डिग्री है ना तो साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री लिखा है प्लस प्लस डिग्री डिग्री तो हमें क्या करना है वैल्यूज को लिख कर उसका स्क्वायर करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे की जो साइन थर्टी है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वन अपॉन टू और हमें क्या करना है उसका स्क्वायर करना है क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है प्लस

वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर वन आएगा और आगे लिखा हुआ है, that is equal to इस का जिसमें सॉल्व लिख करेंगे तो वन आएगा तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो टू निकल के आया अगर हम अब सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट एज्यूम लिया है सॉल्व करने के लिए तो ये क्वेश्चन है टेन फोर्टी फाइव डिग्री अपॉन कॉसैक थर्टी डिग्री करनी है। तो आप देख पाएंगे टेनि फाइव डिग्री अगर ध्यान से देखें तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती है डिवाइडेड बाई कॉसेक थर्टी अब कोसेक थर्टी साइन थर्टी का रेसिप्रोकल होता है तो साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू होती है तो कोसेक थर्टी की वैल्यू टू हो जाएगी प्लस आप सबको वैल्यूज याद होनी चाहिए वैसे

जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस फोर अपॉन टू बनेगा दैट इज इक्वल टू माइनस टू ये वैल्यू ये क्या बन जाएगी माइनस टू प्लस टू तो सॉल्व करके आंसर क्या हो जाएगा इसका फाइनल जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये जो कैल्कुलेशन uh, पार्ट है इसको आप सोल्व uh, कर सकते हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है अदरवाइज आप लोग इसको प्रॉपरली स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखा सकते हैं चलिए अब हम uh, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन uh, जो थर्ड है उसका फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमें प्रूव करना है टेन सिक्सटी डिग्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन सिक्सटी डिग्री माइनस टू का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन प्लस कॉस थर्टी अपन वन माइनस कॉस थर्टी तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों साइडें जो है उसके अंदर एंगल दिए तो दोनों साइडों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो यहां पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारी होंगे दोनों पे आगे लिखा है प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो न्यूमिनेट में रूट थ्री प्लस वन का होल बन जाएगा थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री थ्री प्लस वन फोर बन गया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमीटर में भी और आगे प्लस रूट थ्री और माइनस टू रूट थ्री हमने एज इट इज लिख लिया अब देखो कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में से कॉमन टू आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर से भी कॉमन टू आ रहा है तो so, न्यूमिनेटर में बचेगा क्या टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री और ये जो हमने कॉमन वैल्यू निकाली है टू से टू वो कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया है लेफ्ट हैंड साइड का वो आ गया टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री इसके आगे हम इसको रैशनालाइज कर सकते हैं लेकिन हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया अब हम अपने डिनोमिनेटर को जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे अब हमने आर एच एस जो है वन प्लस कॉस थर्टी डिग्री अपॉन वन माइनस कॉस थर्टी डिग्री सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी राइट हैंड साइड के अंदर कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाय टू होती है तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में हमने रूट थ्री बाय टू रख दी और इसका एलसीएम ले लिया तो जब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री की इक्वल आ रही है वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर में से टू और टू कैंसिल हो जाएगा और ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यू भी टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री है और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू भी टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है इस कारण से ये हमारी वैल्यू प्रूव हो जाती है कि आपस में ये इक्वल प्रूव हो रहा है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ प्रोसीड करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है तो हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है मतलब इस चैप्टर के अंदर एंगल्स को वो सोल्व करना सिखा रहे हैं तो साइन टू इंटू थर्टी का मतलब हो गया साइन सिक्सटी डिग्री और साइन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया हम अपनी राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे जो कि 1 है है, तो की वैल्यू होती डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्कवायर थर्टी का मतलब हो गया वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में टू बाई रूट थ्री और डिनोमिनेटर में वन प्लस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर वन बाई थ्री बन गया तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो डिनिटर टू बाई रूट थ्री है और डिनोमिनेटर हमारा मल्टीप्लाई होकर थ्री बाई फोर बन जाएगा जिसमें कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टू से फोर कैंसिल हो गया टू टाइम्स और रूट थ्री से थ्री कैंसिल हो गया रूट थ्री टाइम्स तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो रूट थ्री बाई टू निकल के आ गया जिसको कि हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया तो हम यहाँ पर इजीली देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकल के आ रही थी रूट थ्री बाय टू वही वैल्यू सेकंड इक्वेशन की आ रही है इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यूज आपस में इक्वल हैं चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल तो हमने देखो राइट साइड में एक ट्राइंगल बनाया एबीसी बी सी ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसके अंदर की हमारी जो साइड ए बी और ए सी है ए बी और बी सी की लेंथ बराबर है ए बी और बी सी की लेंथ एक्स हमने क्वेश्चन से चूज कर ली एज्यूम ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स फिर आगे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज दैट इज साइन 45 फाइव डिग्री कॉस फोर्टी फाइव डिग्री और टेन फोर्टी डिग्री ये वैल्यू हम नो डाउट जानते हैं लेकिन हमें यहाँ पर डिराइव करके दिखानी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो एंगल बी है वो राइट right एंगल है और एंगल बी राइट एंगल होने की वजह से ए और सी हमारे एक्यूट एंगल बन जाते हैं ए बी की लेंथ एक्स दी हुई है क्वेश्चन में और बीसी की लेंथ दी हुई है तो हम जानते हैं कि अगर हमारा ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल है, तो एंगल और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे और इजीली हम पता लगा सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी दैट इज 45 डिग्री क्योंकि एंगल बी 90 है तो ए और सी हमारे जो एंगल है उनका सम 90 हो जाएगा और दोनों एंगल इक्वल है तो फॉर्टी फाइव फोर्टी फाइव डिग्री के बन जाएंगे इसका मतलब इस फिगर के अंदर अब हम एंगल सी को एंगल ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं और जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई फोर्टी डिग्री आ गई देखो अब हम जो ट्राइंगल ए बी सी है इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि एंगल सी को हमने एंगल ऑफ रेफरेंस लिया है तो 45 के सामने वाली साइड जो है ए बी वो परपेंडिकुलर बन गई और फोर्टी फाइव को कंटेन जो साइड कर रही है वो बेस बन गई अब हमें हाइपोटेस की लेंथ नहीं पता है। तो की लेंथ को निकालने के लिए इन ट्राइंगल ए बी सी हम लगाएंगे दैट इज ए सी स्क्तर टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए बी की लेंथ एक्स दे रखी तो एक्स स्क्वायर और बीसी की एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने तो एसी स्क्वायर बन गया टू एक्स स्क्वायर इसका मतलब एसी की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर होगी दैट इज रूट टू एक्स अब हम यहां पर साइन 45 डिग्री को की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं आप जानते हो कि एंगल ऑफ रेफरेंस 45 डिग्री है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटे और यहां पर हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ एक्स है और जो हाइपोटेन्यूस हमने अभी सॉल्व करके निकाला है इसको मैं फिगर में शो कर देता हूँ ये हमारी लेंथ निकल के आ गई रूट टू एक्स तो हम यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ को यूज uh, करेंगे रूट टू एक्स तो आप देख पा रहे होंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आ गया साइन 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और साइन 45 की वैसे भी अगर वैल्यू देखो आप टेबल के अकॉर्डिंग तो याद किया कियारली कॉस्ट फोर्टी 45 की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यूज करेंगे बेस की लेंथ है और हाइपोटेनस की लेंथ रूट टू एक्स है तो यहां पर भी हम आंसर देख रहे हैं कि हमारा वन बाई रूट टू ही आंसर फाइनल आएगा क्योंकि एकस से एकस हमारा कैंसिल हो जाएगा ठीक है इसके बाद हमारी लास्ट वैल्यू निकालनी है हमें टेन फोर्टी फाइव डिग्री जो कि हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर की x है, की लेंथ लेंथ है है बेस भी तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा वन आएगा तो क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं है आप लोगों ने पहले भी डिराइव किया इसको लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें साइन फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव और टेन फोर्टी फाइव की वैल्यूज को क्या कराया गया डिराइव कराया हुआ है चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं जिसके अंदर की प्रूव करना है हमें और हमने इसका सेकेंड पार्ट चूज किया है थ्री टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव माइनस साइन स्क्वायर नाइन टी विलवल टू टू तो नेचुरल सी बात है कि सोल्व करने के लिए वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग

साइन स्क्वायर 90 मतलब साइन नाइनटी की वैल्यू वन है इसका स्क्वायर करेंगे कभी भी गलती नहीं करना है ना इसके बाद हम लिखेंगे इसको फोर टाइम्स और वन बाई टू द पार फोर को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वन बाई सिक्सटीन हो जाएगा अगेन पार फोर वन बाई सिक्सटीन हो गया माइनस थ्री टाइम्स वन बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो वन बाई टू आएगा माइनस वन का स्क्वायर हो गया वन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाएगा फोर मल्टीप्लाइड बाई वन बाई सिक्सटीन प्लस वन बाई सिक्सटीन कितना बन जाएगा हमारे पास टू बाई सिक्सटीन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वन बाई टू माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वन बाई टू आएगी अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर आप देख रहे हैं एट बाई सिक्सटीन है ये एट बाई सिक्सटीन क्योंकि फोर इंटू टू करेंगे तो एट हो जाएगा एट बाई स मतलब हो गया वन बाई टू माइनस और माइनस देखो ये माइनस थ्री और माइनस वन बाई टू माइनस थ्री और माइनस वन बाई टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस थ्री बाय टू हो जाएगा दोनों का एलसीएम टू आ रहा है और ऊपर थ्री प्लस वन फोर बन जाएगा तो इसका आंसर फाइनली टू निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो सेकेंड पार्ट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये प्रूव हो जाता है चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है इसमें लिखा है इफ साइन इज इक्वल टू कॉसेक्स साइन एक्स कॉसेक्स इक्वल है आपस में और एक्स एक एक्यूट एंगल है तो बताइए वो एंगल क्या होगा तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि टेबल के अकॉर्डिंग हमने जब अपने टेबल को एनालाइज किया था उसके अंदर साइन एक्स कॉसेक्स की वैल्यू जो इक्वल आ रही थी वो आ रही थी 45 डिग्री पर तो यहां पर इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी 45 डिग्री आएगी और ये एक एक्यूट एंगल है जिसपे की इसकी वैल्यू बराबर होती है सेकेंड पार्ट में दिया है इफ इज इक्वल टू कोसेके और एंगल ए जीरो से नाइनटी के बीच में लाई करता है तो आपको वैल्यू बतानी है ए एंगल की कितनी होगी सेक और कोसेक दोनों जो हमारे वैल्यूज हैं वो अगेन एक्स की वैल्यू जब फोर्टी फाइव डिग्री होती है तब वो इक्वल होती हैं और ये दोनों वैल्यू हमारी नेचुरल सी बात है रूट टू के बराबर होती है क्योंकि साइन और कॉस्ट जो है वो फोर्टी फाइव के एंगल पर इक्वल होगा तो सेक कोसेक भी हमारा फोर्टी फाइव के एंगल पर इक्वल होगा अब आता है हमारा नेक्स्ट अगर टेन थीटा थीटा इक्वल है इफ टेन इक्वल टू कॉट एंड थीटा इज लाइंग बिटवीन जीरो टू नाइटी स्टेट द वैल्यू ऑफ थीटा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर आपको टेन थीटा कॉर्थ थीटा बोला जा रहा है तो टेन थीटा कॉर्ड थीटा की वैल्यू भी हमारे एक्स इक्वल टू तो फोर्टी फाइव डिग्री पर ही बराबर होती है एक्स मीनस एंगल जो यहाँ पर एंगल बोला जा रहा है इस पार्ट में हमने एंगल को थीटा लिया है सेकेंड पार्ट जो है हमारा उसके अंदर एंगल ए था तो यहाँ पर हम एंगल ए लिखेंगे और फर्स्ट पार्ट में एक्स है फोर्थ पार्ट जो है इसके है इसके अंदर लिखा एक्स और वाई तो के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर ये दोनों एंगल दिए हुए हमें तो यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे वो थी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि अगर दो एक्यूट एंगल्स का सम

तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन की जब हमें बी एंगल की वैल्यू 20 डिग्री दी हुई है इसको प्लस टू कॉस अब हम ब्रैकेट बड़ी वाली लगाएंगे टू इंटू की वैल्यू दे रखिये ट्वेंटी डिग्री ब्रैकेट में इसको लिखेंगे प्लस फाइव डिग्री डिवाइडेड बाई टू कॉस ब्रैकेट के अंदर थ्री इंटू बी की वैल्यू रख देंगे 20 degree, minus sign, बड़ी bracket करेंगे अब इस expression को solve करेंगे, तो जाएगा थ्री इंटू साइन सिक्सटी डिग्री बन जाएगा ये प्लस टू कॉस अब देखो टू इंटू ट्वेंटी हो गया हमारा फोर्टी फोर्टी प्लस फाइव कितना हो गया फोर्टी फाइव डिग्री डिवाइडेड बाई टू कॉस थ्री इंटू ट्वेंटी हो गया सिक्सटी डिग्री माइनस साइन टू इंटू ट्वेंटी पहले है तो इसका मतलब फोर्टी डिग्री हो गया माइनस टेन करेंगे तो थर्टी डिग्री बन जाएगा मतलब हमें जो एंगल्स हमारे पास यहाँ निकल के आ रहे हैं वो हमारे ऐसे एंगल्स हैं जो कि हमारे टेबल के अंदर थे और स्पेशल एंगल्स हैं। हो जाएगा थ्री इंटू साइन सिक्सटी की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पर रूट थ्री बाई टू होती है प्लस टू इंटू कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है

प्लस टू रूट टू डिवाइडेड बाई टू मतलब न्यूमिनेटर में हमने एलसीम ले लिया यहां पे आप देखिए इस जगह पे लेके ये पार्ट आ गया अब हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा one one two, one one two, होता है और जब उसको हम फर्दर लिखेंगे तो यहां पर टू ऊपर चला जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट निकल के आ गया वो आ गया थ्री रूट थ्री प्लस टू रूट टू तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया तो दैट सॉल्व फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर पूछिए क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं पूछ रहे हैं आपके एग्जाम्स भी काफी नियर हैं तो कोई भी ऐसी अगर दिक्कत आती है तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में आ, लिख सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद य फ्रेंड्स एंड लाइक एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बटन थैंक यू थैंक यू वेरी मच